मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हुई जोरदार बारिश से कृषि उपज मंडी में खुले में पड़ी किसानों की लाखों रुपए की उड़द पानी में भीगकर बर्बाद हो चुकी है। अच्छे दामों में बिकने की उम्मीद लेकर मंडी आए किसान भीगी उड़द और आंखों में आंसू भरकर अपने अपने घरों को लौटे। वहीं इस मामले में मंडी सचिव का कहना है कि किसानों का गीला अनाज आ रहा है, इसलिए सुखाने के लिए मैदान में डाला गया था और अचानक पानी आने से फसल भीग गई। देश में उड़द की खेती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ बिहार में मुख्य रूप से की जाती है। उड़द की दाल में 23 से 27 फीसद तक का प्रोटीन पाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि उड़द की ये फसल जो खराब हुई है, इसके पीछे पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला कृषि उपज मंडी टीकमगढ़ का है, जहां जोरदार बारिश के चलते मंडी में बिक्री के लिए खुले मैदान में रखी लाखों रुपए की कीमत की उड़द भीग गई। वैसे यहां किसानों द्वारा लाए जाने वाले अनाज की बिक्री के लिए बड़े बड़े टीन शेड बनाए गए हैं, जिससे किसान मौसम की मार से बचने के लिए इन टीन शेडों के नीचे अपना अनाज बेचने के लिए रख सके। लेकिन इन टीन शेडों पर पूरी तरह से मंडी के व्यापारी कब्जा कर बड़ी मात्रा में अपना अनाज रखे हुए हैं, जिससे मजबूरन किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए खुले में रखना पड़ता है और ऐसे में अधिकांश उसकी खून पसीने उपज पानी में बर्बाद हो जाती है। यह कोई पहला मौका नहीं कि खुले में पड़ी किसानों की फसलें बर्बाद हुई हों। इसके बावजूद भी न तो समिति प्रबंधन द्वारा और न ही जिला प्रशासन द्वारा इस ओर कोई आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे किसानों की उपज को बर्बाद होने से बचाया जा सके। किसानों का कहना है कि टीन शेडों पर व्यापारियों का कब्जा है, इसीलिए उन्हें मजबूरन खुले में अपना अनाज रखना पड़ता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर लाखों रुपए की उड़द भीग कर बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।